हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लाए हैं मोदू नावल का पार्ट 20। घर बहुत बड़ा है और रहने वाले बहुत कम, इसलिए वो घर लाइफलेस लगता है। सूरज की रोशनी, फ्रेश फ्लावर्स और लैंप्स भी उसे लाइवली नहीं बना पाते। वो बरामदे में खड़ा होकर हेजिटेट करता है। वैसे देखा जाए तो ये उसका घर होना चाहिए, पर हर बार जब वो इस बरामदे में खड़ा होता है और बड़ी बड़ी खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी से भरे उस रूम को देखता है तो उसे लगता है कुछ गलत होने वाला है। दूसरी मंजिल से हल्का म्यूजिक और गाना सुनाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी कुछ होने वाला है। वो धीरे से अंदर जाने लगा। वो ऊपर के फ्लोर में गया। म्यूजिक की आवाज़ बढ़ गई और उसके गले में जैसे कांटे की तरह फंस गई। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो भागना चाहता है, पर पीछे मुड़कर वो देखता है उसके पीछे का सब कुछ अंधेरे में गायब हो गया है। सब कुछ पहले से तय है, उसे आगे जाना ही पड़ेगा। वो अंधेरा उसे चारों तरफ से घेर लेता है और उसे आगे बढ़ने के लिए और दरवाज़ा खोलने के लिए मजबूर करता है। एक हुंकार सुनाई देती है जैसे उसके कान के पास कुछ एक्सप्लोड हो गया। वो नीचे देखता है, वो औरत नीचे गिरी हुई है। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी हो गई है। उसकी बॉडी कलरलेस हो गई है, पर उसकी आँखें खुली हुई है। लग रहा है उसकी बॉडी मर गई है, पर रूह अभी भी वही है। वो औरत उसकी तरफ देखती है। उसके आंखों से खून के आंसू बहने लगे। वो ठंडी आवाज़ में पूछती है, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? उसकी सांसें थम गई, वो पीछे हो गया। वो औरत हाथ बढ़ाती है, तुम्हें सब पता था, फिर भी तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? काला अंधेरा उस औरत को निगलने लगा। वो चीखती चिल्लाती अपने हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश करती रही, पर वो अंधेरा उसे खींचता रहा। उसने उस ठंडे हाथ को पकड़ लिया। अजीब से कुछ शोर के बीच वो गिरने लगा। वो गिरता ही रहा। अचानक किसी ने उसे पीछे से खींच लिया। उसकी पीठ एक वार्म और सॉलिड बॉडी के साथ प्रेस हो गई। दो हाथ उसके दोनों तरफ से आए और उसकी आंखों को ढक दिया। उन मजबूत हाथों की उंगलियों से सिगरेट की स्मेल आने लगी और उन उंगलियों के बीच से बहुत सारी रोशनी दिखाई दी। फिर वो चौंक के जाग जाता है। वो अपने स्टडी में बैठा है। एक डल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते वो सो गया था। बाहर तूफान आने वाला है। खिड़की से ठंडी हवा आने लगी। उसका फ़ोन बजे जा रहा था। फेदू गहरी सांस लेकर उठता है, फिर खिड़की बंद करके फ़ोन रिसीव करता है। फ़ोन के उस साइड से जैंग डोंगलाई चिल्ला उठता है, अभी भी दिन है मास्टर फेई, किस ब्यूटी के बॉडी से उतरने में तुम्हें तकलीफ हो रही थी? मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ? बिजली जोर से कड़क रही है, मुझे सुनाई नहीं दिया। फेदू के सर में दर्द हो रहा था। उसने अपनी आईब्रो के बीच में प्रेस करते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें? अच्छी हवा चल रही है, बारिश भी अच्छी होगी, मौसम अच्छा है डार्लिंग, चलो मजे करें। फेदू बाहर देखता है, बारिश शुरू हो गई है। उसने पूछा, ऐसे दिन में कहाँ मज़े करने जाओगे? वेस्ट रिज इकोलॉजिकल डिस्ट्रिक्ट में एक नया क्रॉस काउंटी रेसिंग फील्ड बना है, बहुत कूल है वो। उन लोगों ने एक स्पेशल डेथ कोर्स बनाया है जो सिर्फ खराब मौसम में ही खुलता है। जितना खराब मौसम उतना ज़्यादा मज़ा। फेदू को लगा उसके कान में ही कीचड़ गिर गए। उसने कहा, तुम मरना चाहते हो? कैसे बुड्ढों जैसे बातें कर रहे हो, मॉडर्न जवान लोग ऐसे बात नहीं करते। ज़िंदगी में खाने पीने के बाद और क्या बाकी रहता है? मौत को चुनौती देना ही बाकी रहता है ना। अगर तुम्हें ड्राइव नहीं करना है तो मत करना, बस आ जाओ। और पता है, वहाँ एक और क्लब है जिसमें एक छोटा सा आर्टिस्टिक ट्रूप है जिसमें हर तरह की लड़कियाँ हैं। तुम्हारी टाइप की लड़कियाँ भी है, जल्दी करो और आ जाओ। घर में बैठ कर उस बूढ़े आदमी के बारे में सोच कर क्या करोगे? उनको तो कोई मिल गई है ना। तुम्हें तो सब खबर है, फेदू ने कहा। वो एक कंपनी का मालिक है। उसे इस बारिश में लड़कियों को दिखाने के लिए मौत से खेलने का शौक़ नहीं है। वो मना करने ही वाला था कि उसे थोड़ी देर पहले का बुरा सपना याद आ गया और साथ में वो सिगरेट की स्मेल वाले हाथ भी। टावरन के हाउस वार्मिंग पार्टी के बाद एक महीने से ज़्यादा टाइम बीत गया है। पहले फेदू हर रोज़ टावरन को परेशान करता था, पर उस दिन के बाद से उसने उसे भी कॉल नहीं किया। उसकी एक वजह यह है कि उसे पता है कि टावरन किसी को पसंद करता है, और दूसरी वजह यह है कि जब जब वो उस गेम मशीन को देखता है उसे अजीब लगता है। आज तो और बुरा हाल था, उसे वो बुरा सपना आ गया था। फेदू ने मन बदल लिया और जाने के लिए राजी हो गया। जुलाई महीना ख़त्म होने वाला था, यान सिटी का रेनी सीजन भी ख़त्म होने वाला था, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि वो और बढ़े जा रही थी। ड्यूटी ख़त्म होने के 2 घंटे बाद लोरेंजो फिर से सिटी ब्यूरो में था। कार से उतर के उसने छाता भी नहीं लिया, ऐसे ही दौड़ के बिल्डिंग के अंदर चला गया। कैप्टन लू, सेकेंड फ्लोर का कॉन्फ्रेंस रूम, जल्दी। लोरेंजो अपनी जैकेट से पानी झाड़ता है। उसके हाथ में 3 खरोंच दिखाई दिए। वो दौड़ के ऊपर गया और हाँफते हुए पूछने लगा, क्या हुआ है? मुझे नहीं पता, मैं भी अभी आया हूँ।
तावरन छाता फोल्ड करते हुए बोलता है, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? लुओवेंजो इरिटेट होकर उन खरोज को खुजलाता है। उन खरोजों से खून निकलना बंद हो गया था। एक बल्ब खराब हो गया था तो मैं उसे चेंज कर रहा था, तभी अंधेरे में ही बड़े साहब का फ़ोन आ गया और जल्दी करने को कहा। मैंने गलती से मेरे घर के मालिक के पूछ पर पैर रख दिया था। बड़े साहब का नाम लेते ही वो एक तूफान की तरह आ गए और कॉन्फ्रेंस रूम के तरफ चलने लगे। तावरन और लुओवेंजो भी उनके पीछे गए। आज 16th मिडिल स्कूल का समर कैंप का लास्ट दिन था। स्कूल वाले समर कैंप में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों को वेस्ट रिज के पैलियोलिथिक माइंस रुइंस मेमोरियल म्यूजियम दिखाने ले गए थे। उन लोगों ने एक मिनी बस रेंट में ली थी और बस में ड्राइवर को छोड़कर एक फीमेल टीचर और 18 एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स थे। करीब 5 बजे म्यूजियम विजिट ख़त्म करके वो वहाँ से निकल गए। 7 बजे तक उनको स्कूल पहुँच जाना चाहिए था, पर उन लोगों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रही है। कहते कहते डायरेक्टर लू कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। तावरन और लुओवेंजो ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो भी अंदर गए। वहाँ पहले से ही बहुत लोग थे और प्रोजेक्टर पर एक बहुत बड़ा रियलिस्टिक मैप दिख रहा था। वो बस हैंगकॉन्ग लीजिंग कंपनी से ली गई थी। ड्राइवर है हान जियांग, मेल, 41, 15 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस। टीचर है 32 साल की हु लिंगलिंग, जो यान सिटी से ही है और 16th मिडिल स्कूल में पढ़ाती है। 5:05 पर बस म्यूजियम से निकलकर नेशनल रोड से चल रही थी। करीब 6 बजे कुछ पेरेंट्स को पता चला कि खराब मौसम के कारण रोड ब्लॉक है। जब उन्होंने फ़ोन किया तब टीचर ने कहा कि उन लोगों ने ऑलरेडी रास्ता बदल लिया है, पर रोड खराब होने के कारण उनको आने में 1-2 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे। करीब 7:40 पर जब पेरेंट्स ने फिर फ़ोन किया तब टीचर का फ़ोन स्विच ऑफ मिला। पेरेंट्स ने एक बच्चे के फ़ोन पर फ़ोन किया। कॉल कनेक्ट होते ही बच्चों के रोने की और चीखने की आवाज़ आई और एक आदमी की चिल्लाने की और गाली देने की आवाज़ आई और फिर कॉल कट हो गया। पेरेंट्स ने पुलिस को कॉल किया। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन पर ट्रैकिंग मॉनिटर्स थे, पर जांच करके पता चला कि वो सारे फ़ोन पहाड़ी के नीचे इधर उधर बिखरे पड़े हैं। पर एक बच्चे ने GPS वाली स्निकर्स पहन रखी है और उससे पता चला है कि वो लोग रास्ता बदल के वेस्ट रिज काउंटी के साउदर्न माउंटेन डिस्ट्रिक्ट पहुँच गए हैं और अभी भी चल रहे हैं। लुओवेंजो पूछता है, क्या किडनैपर बस में ही था या रास्ते में चढ़ा है? क्या उन लोगों ने कोई डिमांड की है? अभी तक नहीं, लुओवेंजो, डायरेक्टर लू ने उसके तरफ देखकर कहा। इसमें शहर के बहुत सारे काउंटी और डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व है। सारे डिपार्टमेंट्स और पुलिस की स्पेशल टीम को मिलकर काम करना पड़ेगा। तुम इन सबको लीड करोगे और डायरेक्ट मुझे रिपोर्ट करोगे, कर पाओगे? सबकी नज़र लुओवेंजो पर थी। लुओवेंजो की साइकोलॉजिकल क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसने बेझिझक हाँ बोल दिया। बच्चों की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, जल्दी करो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि और तेज हो रही थी। टीचर के पास बैठी लड़की की फ्लोरल पैटर्न ड्रेस बारिश से भीग रही थी, पर वो खिड़की बंद करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। टीचर ने विनती की, भैया आपको क्या चाहिए? हमारे पास बस में जो भी है आप सब ले लीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम आपके बारे में भी किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे पास कुछ पेरेंट्स के नंबर है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उनको अभी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चुप हो जाओ, ड्राइवर के पास बैठे आदमी ने कहा। उसके हाथ की छुरी चमक उठी। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, गाड़ी चलाते रहो। टीचर ने रियर व्यू मिरर में ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर डरा हुआ था और उसे जो बोला जा रहा था वही कर रहा था। जब वो लोग रास्ता बदल के जा रहे थे तब एक कार खराब होकर रास्ता ब्लॉक करके खड़ी थी। रास्ता पतला था, बस के जाने का रास्ता नहीं था। टीचर और ड्राइवर ने उस कार वाले से बात की और तीनों ने मिलकर कार को धकेल कर साइड किया। रास्ता खाली होते ही उस आदमी ने टीचर के गले में चाकू रख दिया। तेज बारिश और कड़कती बिजली के बीच वो बस वेस्ट रिज माउंटेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर चली गई थी। उस आदमी ने कहा, आगे चलकर उस खाली जगह पर गाड़ी रोको। बस की इंजन बंद होते ही सब कुछ और डरावना लगने लगा। टीचर के पास बैठी लड़की के मुंह से रोने की आवाज़ निकल आई। टीचर ने उसका मुंह पकड़ लिया और जोर से गर्दन हिला के सब बच्चों को चुप रहने का इशारा किया। अपने डर को काबू करते हुए उसने अपने बैग के अंदर हाथ डाला। तुम, ड्राइवर के गले में चाकू पकड़कर उस आदमी ने टीचर से कहा, पीछे बैठ के कुछ करने का मत सोचो, सामने आ जाओ। टीचर को तब तक जो चाहिए था वो हाथ लग गया था। उसने वो चीज़ अपने पास वाली लड़की के हाथ में दे दी और उसके बालों को सहलाया। लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। टीचर ने खिड़की की तरफ इशारा किया और अपने खाली हाथों को ऊपर करके सामने चली गई। फ्लोरल पैटर्न ड्रेस पहनी हुई लड़की ने उस सेल्फ प्रोटेक्शन डिवाइस को टाइटली पकड़कर अपने पीछे छुपा लिया। इन सब से 3 किलोमीटर दूर अमीरों के पागल औलादे हंगामा करके वापस आ गए थे।
पहले उन लोगों ने ऑफ रोड कार्स चलाने का प्लान किया था, पर उनमें मज़ा नहीं आया, इसलिए उन लोगों ने मोटरसाइकिल रेसिंग शुरू कर दी थी। बारिश में भीग कर अब उनकी हड्डियाँ भी जम गई है। फेदू ने कॉलर का बटन खोला और अपने हेलमेट को साइड कर दिया। एक टावल लेकर वो अपने लंबे बालों को पोंछने लगा। उसे मानना ही पड़ा, मौत को चुनौती देकर मूड अच्छा हो जाता है। प्रेसिडेंट फेई आज घर नहीं जाएंगे ना? जिस अफसर ने टावल दिया था उसने पूछा। उसकी परफ्यूम से लेकर उसकी स्टाइल, सब कुछ फेदू के पसंद के हिसाब से टेलर मेड था। जेंग डोंगलाई का चेहरा देखकर कोई बेवकूफ भी बोल पाएगा कि ये उसी ने अरेंज की है। रात को रुक जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर उस लड़की की तरफ देखकर फेदू का इंटरेस्ट नहीं जगा। उसके दिल में कुछ हो रहा था, जो उसे चाहिए था वो ये नहीं था। इससे उसकी भूख मिटने वाली नहीं थी। उसने कहा, कल सुबह मुझे ज़रूरी काम है, मैं थोड़ी देर में ही शहर वापस चला जाऊँगा। उस लड़की ने कहा, आपको बाहर लाना ही कितना मुश्किल था, रास्ता कितना ख़राब है और अंधेरा भी, वापस जाना सेफ नहीं होगा। जो अभी हम कर रहे थे उससे भी ज़्यादा अनसेफ होगा। मैं आज आना नहीं चाहता था, पर मुझे ऐसा लगा कि आज नहीं आऊँगा तो शायद ज़िंदगी भर पछताऊँगा। फेदू ने मीठी बातें शुरू कर दी। तुम्हें देखकर मुझे समझ आया कि मेरा अंदेशा सही था, अब तो मुझे मरने का भी डर नहीं है। वो लड़की शर्मा गई। फेदू ने जिंजर टी का कप उठा लिया। वो जल्दी उसे ख़त्म करके निकलना चाहता था, पर क्लब के ओनर ने कहा, मास्टर फे आप अभी निकल नहीं पाएंगे, खबर मिली है कि रोड बंद है, किसी लुनाटिक ने स्कूल के बच्चों को बस के साथ किडनैप कर लिया है, स्पेशल पुलिस काम कर रही है, उनको पता नहीं है वो बस कहाँ पर है। वो लुनाटिक अपने दोनों हाथों में दो चाकू लेकर पहरा दे रहा था। उसने एक पुराना फ़ोन टीचर के तरफ फेंका और उसे फ़ोन लगाने को कहा। हेलो, मैं टीचर हूँ लिंगलिंग, हम रास्ते में थे तब एक हाईजैकर ने, आह फालतू की बातें बंद करो, उनको बताओ कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी 50 लाख युआन कलेक्ट करे और सुबह होने से पहले मेरे बताए हुए जगह पर ले आए। कहाँ लाना है ये मैं पैसे कलेक्ट होने के बाद ही बताऊँगा, अगर वो पुलिस को बताना चाहे तो बता सकते हैं। पुलिस की गाड़ी देखते ही मैं इन पिल्लों को मारना शुरू कर दूँगा, अगर मैं भाग नहीं सकता तो मैं इस बस को ही इन सब के साथ जला दूँगा। फ़ोन डिसकनेक्टेड हो गया। बॉस, फ़ोन का लोकेशन और उस बच्चे के शू का GPS लोकेशन सेम है। लुआवंजो ने पूछा, ड्राइवर और टीचर की पर्सनल लाइफ का क्या खबर है? लैंगचाओ ने कहा, टीचर ने कहा ना हाईजैकर उनको रास्ते में मिला। लुआवंजो ने कहा, उसको कैसे पता था कि बस में बच्चे होंगे, कैसे उसने अकेले दो एडल्ट का मुकाबला कर लिया? लैंगचाओ घबरा गई। तभी तावरान का कॉल आया, कैप्टन लुओ हम ड्राइवर हानजियांग के घर में हैं, उसने घर का बहुत सारा फर्नीचर बेच दिया है, पड़ोस वाले कह रहे हैं कि उसे जुआ खेलने का नशा है। हु लिंगलिंग का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके सामने वो लुनाटिक अपने चाकुओं को नचा रहा था। उसने उस लड़की की तरफ देखा, लड़की को शायद समझ आया, उसने खिड़की के पास जाकर उस अलार्म डिवाइस को ऑन करके बाहर फेंक दिया। अचानक से पुलिस कार के सायरन सुनाई देने से वो आदमी चौंक गया। हु लिंगलिंग उसके ऊपर कूद पड़ी, दोनों लुढ़क कर बस के खुले दरवाजे से बाहर गिर गए। चाकू से कटने का दर्द भुलाकर वो चिल्ला उठी, गाड़ी चलाओ जल्दी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो तुरंत जाके लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस के बच्चे डर के चिल्लाने लगे, किसी ने चिल्लाया, टीचर भाग चलो, किसी ने चिल्लाया, टीचर हु। उस लुनेटिक के आंखें जल उठे, उसने हु लिंगलिंग के पेट में चाकू मार दिया। हु लिंगलिंग एक हेल्दी औरत थी, उसे इस टाइप का दर्द का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो दर्द से सिकुड़ गई, पर बस की तरफ देखकर वो उम्मीद करती रही कि दरवाज़ा बंद करके बस चलने लगेगी। चाबी गाड़ी में ही लगी हुई थी, ड्राइवर भी अपनी सीट पर था, एक सेकंड में वो ड्राइवर बस को लेकर निकल सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उस ड्राइवर ने उस किडनैपर को धमकाया, बस करो। हु लिंगलिंग बात करने की हालत में नहीं थी, वो बस ड्राइवर को इशारा कर रही थी उसकी परवाह ना करके बच्चों को लेकर जाने के लिए, पर उस ड्राइवर ने कहा, हमें सिर्फ पैसे चाहिए थे ना, किसी को मारने की बात नहीं हुई थी। हु लिंगलिंग अंदर तक कांप उठी। इन सब के बीच वो फ्लोरल पैटर्न ड्रेस पहनी हुई लड़की एक पर्दे के पीछे चली गई और उसके पीछे से एक खुली खिड़की पर चढ़कर बाहर कूद गई। वो किडनैपर चाकू फेंककर हु लिंगलिंग को मारने लगा। सबका ध्यान उधर था, किसी को उस लड़की की कूदने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो अंधेरे में भागने लगी, अंधेरे में और अनजान सुनसान जगह पर उसे अपने पैरों की आवाज़ से ही डर लग रहा था। वो पीछे नहीं मुड़ पा रही थी, वो बस दौड़ती ही रही। अचानक उसे गाड़ी की हेडलाइट दिखाई दी, वो और ज़्यादा डर कर भागने लगी। एक पत्थर से टकरा के वो गिर गई और गलती से चीख उठी। एक कार के ब्रेक की आवाज़ आई और फिर एक सॉफ्ट आवाज़ सुनाई दी, पापा क्या वो एक छोटा जानवर था? एक शरीफ आदमी को छाता लेकर आते देख वो लड़की रो पड़ी।
अंकल मेरी मदद कीजिए। वो कीचड़ से लटपट थी, उसके घुटनों से और पैर के नाखून से खून निकल रहा था। उस आदमी ने उसे देखा और फिर धीरे से उसे उठाया। एक बच्चे को देखकर इस लड़की का डर कम हो गया था। उसने उन पर भरोसा करके कहा, एक बुरे आदमी ने हमारे बस को हाईजैक कर लिया है और हमारे टीचर को छुरी से मारा उस साइड पर अंकल। वो आदमी बहुत आराम से चल रहा था। उसने एक उंगली उठाई, डरो मत, मेरी बेटी के साथ बैठो। गाड़ी के आधी खुली खिड़की से 12-13 साल की लड़की दिखाई दी। उस लड़की के गाल गोल गोल थे और आंखें खूबसूरत। उसके बाल 2 चोटियों में बंधे हुए थे और उसके होंठ चेरी रेड कलर के थे। वो एक फूल की तरह मुस्कुरा रही थी। क्रॉस कंट्री व्हीकल क्लब के सब अमीरजादे अपने अपने फ़ोन चेक करने लग गए थे। वेस्ट रिज डिस्ट्रिक्ट के मैप के सामने खड़े होकर फेदू उस क्लब के ओनर को बोलता है, मुझे इस जगह के बारे में पता नहीं है, यहाँ पर और कौन से क्लब या गांव हैं? इस जगह को बड़े बड़े एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट के लिए ही प्लान किया गया है। फिलहाल हमें छोड़कर एक वाइनरी, एक गोल्फ क्लब और एक हॉर्स राइडिंग क्लब है। पहले जो गाँव थे यहाँ पर, वहाँ के लोगों को काउंटी सिटी पर शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे वेदर में बाकी क्लब्स में आज कोई नहीं होगा, क्लब ओनर ने बताया। अच्छा, अगर पुलिस का फ़ोन आए तो मुझसे बात कराना। पुलिस क्यों फ़ोन करेगी? बोलते बोलते ही पुलिस का फ़ोन आ गया। पुलिस जल्दी काम कर रही थी। वो लोग किडनैपर के लोकेशन के पास पहुंच गए थे। सैटेलाइट से देखकर पता चल रहा था कि किडनैपर ने एक खुले जगह को चुना था। अगर पुलिस पास पहुंचेगी तो किडनैपर को पता चल जाएगा। बस के सारे खिड़कियों में पर्दे लगे हुए हैं। अगर किडनैपर बस के अंदर रहकर सारे पर्दे बंद कर देगा तो पुलिस का स्निपर कुछ नहीं कर पाएगा। पुलिस ने किडनैपर के फ़ोन में कॉल करने की कोशिश की है, लेकिन वो नंबर बंद है। जब तक वो खुद कॉन्टैक्ट नहीं करता है तब तक उससे बात नहीं की जा सकती। रात के 10 बजे के बाद तूफान कम हो गया। तावरन ने अपनी टीम के साथ हानजियांग के लाइव का पन्ना छान मारा। हानजियांग एक ट्रक ड्राइवर था, पर उसे जुए की लत लग गई और वो एक साल में हजारों युआन हार गया। वो काम का टाइम वेस्ट करता था, इसलिए उसे काम से निकाल दिया गया। उसके बीवी बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए। बाद में उसने एक कार रेंटल कंपनी में काम करना शुरू करा और कुछ साल तक तमीज से रहा, पर बाद में उसने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। एक चीटिंग ग्रुप की नज़र उस पर पड़ी। वो इतना पैसा हार गया कि उसे लोन शार्क से 10 लाख युआन उधार लेना पड़ा। ताज्जुब की बात नहीं है कि वो ऐसा करेगा, लेंगचियाओ ने कहा। दूसरा कौन है? गैम्बलिंग छोड़कर हानजियांग का कोई और रिकॉर्ड नहीं है। उसने अकेले ये प्लान नहीं किया होगा, उस मास्टरमाइंड का कोई तो रिकॉर्ड होगा। है तो, तावरान ने कहा, मैंने फोटो भेज दी है। ये हान चेंजिंग नाम का एक 29 साल का आदमी है। ये हानजियांग का दूर का रिश्तेदार है। ये 2 बार रॉबरी और जानबूझकर लोगों को चोट पहुंचाने के लिए जेल गया है। वो रिसेंटली यान सिटी में काम ढूंढने आया था। वो हानजियांग के घर खाने पीने के लिए आ जाता है। वो कोई काम वाम नहीं करता है, बस एक चौपर दिखा के घूमता रहता है। सब उससे दूर रहते हैं। कल शाम को उसने एक ख़राब सेडन रेंट ली थी और आज सुबह निकल गया था। लग रहा है वही किडनैपर है। लो वंजो की आवाज़ आई। हानजियांग के बीवी बच्चे थे ना? लड़का है या लड़की? कितने साल का है? लड़का, 9 साल का। उसकी एक्स वाइफ नहीं चाहती है कि उस बच्चे का उससे कोई कनेक्शन रहे। उस कार रेंटल कंपनी का 16th मिडिल स्कूल के साथ पुराना एग्रीमेंट है। कभी भी गाड़ी की ज़रूरत होती है तो हानजियांग ही जाता है। सब लोग उसे स्कूल का ही आदमी मानते हैं। वो ऑनेस्ट और काइंड हार्टेड है। बच्चों के साथ भी उसका बर्ताव अच्छा है। किसी ने नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा। समझ गया, लुओ वंजो ने सोच लिया। नेगोशिएशन ग्रुप ध्यान दो। जब हमें पहला कॉल मिला था, टीचर की बात सुनकर लगा कि उसे पता नहीं है कि हानजियांग किडनैपर के साथ है। वो ड्राइवर पर भरोसा करती है, तो हानजियांग भी जल्दी से अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करेगा। उसे पैसे चाहिए, पर वो बच्चों को हर्ट नहीं करना चाहेगा। पर दूसरा आदमी एक क्रिमिनल है, वो कुछ भी कर सकता है। उन दोनों का मकसद एक है, पर कोशिश करने से हम उन्हें तोड़ सकते हैं। तभी किडनैपर का कॉल आ गया और एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। पैसे रेडी हो गए? सब ने दिल थाम लिया। नेगोशिएटर ने पूछा, वो फीमेल टीचर कहाँ है? फिर उसने जल्दी से कहा, हम पेरेंट्स ने मिलकर 30 लाख युआन से ज़्यादा कलेक्ट कर लिया है। बाकी भी हम जल्दी कलेक्ट कर लेंगे, पर आप प्लीज़ किसी को हार्म मत करना। तुम लोगों ने पैसे कलेक्ट कर लिए? पुलिस को कॉल नहीं किया? लेंगचियाओ ने लुओ वंजो का ऑर्डर नोटपैड पर लिख दिया और नेगोशिएटिंग ऑफिसर ने डरे हुए आवाज़ में कहा, हमने पहले ही कॉल कर दिया था। तो कहाँ है पुलिस? वेस्ट रिज कंट्री के पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने कहा कि उनको सिटी ब्यूरो से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। हम उनके लिए इंतजार नहीं कर सकते। आपने वादा किया था आप बच्चों को कुछ नहीं करोगे।
पैसे कलेक्ट हो रहे हैं सुनकर किडनैपर खुश था। उसने कहा, अपने बच्चे से बात करोगे? क्या नाम है उसका? नेगोशिएटर जल्दी से नाम पढ़ता है। मैं चेन हाउ का डैड हूँ, प्लीज़ चेन हाउ से बात करा दो। एक बच्चा रोते हुए डैड डैड करने लगा। बच्चा रो रहा था पर उसे शायद कोई चोट नहीं लगी थी। हाउ हाउ, डरो मत, तुम सबके साथ हो ना, सबको हिम्मत देते रहना। बहुत हुआ, किडनैपर ने फ़ोन छीन लिया। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए किसी को आने की ज़रूरत नहीं। जल्दी से बाकी के पैसे कलेक्ट करो, पैसे मिलते ही तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। प्लान बी का इशारा मिलने पर नेगोशिएटर ने कहा, रुको रुको, बच्चा कितना डरा हुआ है, किसी टीचर से बात करा दो प्लीज़। थोड़ी देर में एक आदमी की आवाज़ आई, हेलो टीचर, मैं चेन हाउ का डैड। टीचर, आपके भी बच्चे होंगे, आप समझ सकते हो, प्लीज़ बच्चों का ध्यान रखना, हम किसी भी तरह से पैसे कलेक्ट करेंगे, आपका बच्चा भी इन बच्चों के जैसा ही होगा ना, प्लीज़ बच्चों को कुछ मत होने देना। हान जियांग पहले कुछ नहीं बोल पाया, फिर धीरे से कहा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तभी पहाड़ की तरफ से बादल गरजने जैसी आवाज़ आने लगी, बम के आवाज़ के जैसे हेवी मेटल की म्यूज़िक सुनाई दी। उसके साथ ड्रेजलिंग लाइट्स दिखाई दी और हुइसल की और चिल्ला मिलने की आवाज़ आने लगी। फ़ोन छीन कर किडनैपर ने चिल्लाया, पुलिस भेज दी तुम लोगों ने, अपने पिल्लों को जिंदा नहीं चाहते हो? नहीं नहीं, हमने, माइक से एक मीठी आवाज़ सुनाई दी, डार्लिंग्स अभी तो तुम लोगों ने डेथ कोर्स ख़त्म किया है, चलो और मज़े करें। आवाज़ से चारों तरफ कांपने लगा और कलरफुल लेजर लाइट से चारों तरफ उजाला हो गया। उस उजाले में पहाड़ी रास्ते में बहुत सारे स्पोर्ट्स कार दिखाई दिए जो रेस शुरू करने के लिए तैयार थे। हान जियांग ने किडनैपर का छुरी पकड़ा हुआ हाथ पकड़ लिया, हमने देखा था ना यहाँ एक क्रॉस काउंट्री क्लब है। किडनैपर गुस्सा हो गया, हाथ छोड़ो, उनका आना इत्तेफाक नहीं हो सकता। नेगोशिएटर चिल्लाता है, हमें सच में नहीं पता, आप जगह चेंज कर लो, पैसे अभी आ जाएंगे, बच्चों को कुछ मत करो, टीचर टीचर टीचर। वो तीन बार टीचर पुकारा जाना हान जियांग के दिल में सुई जैसी चुभी। स्कूल के छोटे बच्चों को सब कुछ पता नहीं होता है, एडल्ट लोग देखते ही वो टीचर बोल देते हैं, बच्चे उसे भी टीचर ही बोलते हैं। उसने कहा, सुनाई नहीं दिया, पैसे जल्दी आ जाएंगे। तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो, क्या वो पुलिस कार दिखाई दे रही है तुम्हें? चलो थोड़ा साइड हो जाते हैं। वो अमीरजादे बहुत शोर शराबा करके रेस लगा रहे थे, उनके ड्रम के आवाज़ से किडनैपर के दिल में दर्द होने लगा। उन लोगों ने बस को साइड कर लिया और वो अनजाने में स्नीपर के रेंज में पहुंच गए। वो फ़ोन बंद करना भूल गया था, नेगोशिएटर ने फ़ोन करके कहा कि वो लोग अभी भी 50 लाख वन कलेक्ट नहीं कर पाए। म्यूज़िक की आवाज़ बढ़ रही थी, दोनों किडनैपर आपस में लड़ने लगे। हान जियांग का कहना था जितने पैसे मिल रहे हैं उसी को लेकर बच्चों को छोड़ दिया जाए, पर दूसरे आदमी को 50 लाख ही चाहिए थे, नहीं तो वो सारे बच्चों को मार देगा। दोनों ने एक दूसरे के सामने चाकू पकड़ लिया। हान जियांग को अपने किए पर पछतावा होने लगा। दूसरा आदमी मान गया और हान जियांग को फ़ोन दे दिया। वो नेगोशिएटर को इंस्ट्रक्शन देने लगा, तभी उसके साथी ने उसके पेट पर चाकू से हमला किया। वो हमलेवर पर कूद पड़ा और उसे कांच की खिड़की के ऊपर प्रेस कर दिया। कांच की खिड़की तोड़कर एक बुलेट आई और किडनैपर के सिर के पीछे घुस गई। आधे घंटे बाद जब सब क्लियर हो गया था तब लुओवेंजो उस जगह पर गया जहाँ पर थोड़ी देर पहले धरती को हिलाने वाला म्यूजिक चल रहा था। दूर से फेजू दिखाई दिया, वो एक कार में ठेस लगा के खड़ा था, उसकी शर्ट के बटन्स खुले हुए थे, उसके सफ़ेद स्किन के ऊपर काले रंग का टैटू साफ दिखाई दे रहा था, उसके लंबे बालों से तब भी पानी टपक रहा था। किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो अकेला ही किसी जगह का माहौल बदलने के काबिल था। लुओवेंजो को अजीब फीलिंग हो रही थी, उसने कहा, थैंक यू। फेदो एक लड़की से शैंपेन का ग्लास लेकर कहता है, थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम तो वही कर रहे थे जो हमें आता है। लुओवेंजो को फिर से फेदो पर गुस्सा आ रहा था, पर लैंगचियो का फ़ोन आ गया, कैप्टन लुओ, एक बच्चा मिसिंग है। अगर आप लोगों को आज का ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।